सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मुझे ये मिला कि कपिल सर ने ये बोला कि अगर हम जिंदगी में अपने हर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमने उन तीन चीजों को सही से इस्तेमाल कर लिया तो हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, और वो तीन चीजें क्या है? माइंड, बॉडी और एनर्जी। मेरी अपनी लर्निंग ये है कि ना, ब्रेक द बैरियर्स जो आपके माइंड में है एंड गिव योरसेल्फ अनदर चांस, गिव पीपल अनदर चांस। देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज कि लोग ने आपके साथ कुछ बुरा करा है या फिर आपने स्टक हो जाते हो। अगर आप हो सकते हैं कि आप किसी से बात नहीं हो रही है तो यू विल नॉट टॉक। आपको लगता है इन सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, एक सेकंड चांस देना चाहिए अपने आप को भी, तो आप ट्राई कर सकते हो। जब मैंने वो ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट वायु और जल तत्व समझा तो मुझे उधर फील हुआ कि सच में कहीं ना कहीं हम उस जगह पे थोड़ा सा एक ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों। दूसरों की वजह से खुद की डिसीजंस और थॉट को उसको चेंज नहीं करना है। जब मैंने अपनी फीलिंग को जो हमारे फैसिलिटेटर थे उनके सामने शेयर किया, जो कि शायद मेरे अंदर 10-12 साल से अंदर थी और उसके वजह से इतना बैगेज था मेरे माइंड के अंदर, वो शेयर करने के बाद मैं इतना लाइट फील किया। सेकंड, मैंने अपनी सारी चीज़ों को लिख के और अग्नि में समर्पण कर दिया, जिसकी वजह से मेरे लाइफ की जितना सारा पीछे का सारा वो हडल खत्म हो गया और मैं एकदम लाइट फील करने लगा। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पूरा कैंप मेरे को ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। मैंने अपने लाइफ में पहला ऐसा कैंप अटेंड किया जिसके अंदर मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, और यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज करी तो उसके माध्यम से मेरे को काफी कुछ जीवन की लर्निंग सीखने को मिली। शून्य से हम शिखर तक पहुँचने की बात करते, बेसिक लर्निंग मैं यही कहूँगा, फोकस ऑन योरसेल्फ सबसे बड़ा लर्निंग मेरे लिए यही रहा।